नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को और आज हम बात करेंगे इस बारे में कि कैसे पता करें कि हमारे कार से साइलेंसर वाली मिट्टी चोरी हुई या नहीं हुई। एक भाई ने कमेंट किया था कि आप बताएं तो कि क्या वो कारण होते हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ हमारे कार से मिट्टी चोरी हो चुकी है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। क्या आपने रिसेंटली 1 या 2 महीने में कोई सर्विस या कोई काम करवाया है कार में? अगर करवाया है और आप उसके आसपास नहीं रहे हैं तो आप पहले चेक कर लेना यार, साइलेंसर की आवाज में कोई बदलाव आया है कि नहीं आया। जी हाँ, साइलेंसर की आवाज में आवाज कुछ ऐसी हो जाती है जब आप साइलेंसर से मिट्टी चोरी होती है तो साइलेंसर ऐसी आवाज करने लगती है जैसे सीएनजी वाला होता है, और सीएनजी वो भी थकेली, मतलब यानी कि साइलेंसर जैसे सीएनजी लगी लगी गाड़ी को काफी टाइम हो जाए तो फट ऐसे करती ना आवाज, उस तरीके से आवाज करने लगता है। और खाली खाली आवाज, यानी पावर बहुत लॉस होती है, आपका फ्यूल बहुत बर्बाद होता है, एवरेज सडनली डाउन होने लगता है। ये कुछ लोगों को पता चलता है गाड़ी में काम कराने के 15-20 दिन बाद, क्योंकि अगर पता तुरंत चलता है और उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं भाई अभी पार्ट नया बदला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा काम सही होने में, ये वो चला देता है, यानी उसका एक तरह से पागल सा बना देता है, सी बोले या कुछ और बोले मिस्त्री लोग बना देते हैं जब वो ऐसा काम करते हैं, चुरा लेते हैं। अगर अदरवाइज अगर नहीं चुराते तो अगर ऐसी बात करते ही नहीं, ना ही कोई बदलाव आता है। तो पहला मेन चीज है साइलेंसर की आवाज चेंज हो जाती है जब भी चोरी होती है मिट्टी, तो ये पहला बड़ा बदलाव आता है। दूसरा कि गाड़ी वाइब्रेट ज्यादा करती है, वाइब्रेशन से यानी पावर, यानी जितनी जितनी आप एक्सलेटर दे रहे हैं उतनी गाड़ी भाग नहीं रही और वाइब्रेट ज्यादा कर रहा है, कुछ टकरा असर आया, क्योंकि इंजन के जो आगे मैनिफोल्ड होता है उसमें से वो कन्वर्टर में से आपकी मिट्टी चोरी हो चुकी। कई लोगों की तो साइलेंसर यानी गाड़ी के नीचे होती है कन्वर्टर, अलग तरीका इको जैसे गाड़ी में, और कुछ का आगे होता है इंजन के पास कन्वर्टर लगा होता है। तो उसे चेक कैसे करें, सबसे बड़ी बात कि पता कैसे करें कि हाँ मेरी कार से मिट्टी चोरी हो चुकी है। जिन लोगों का आगे साइलेंसर के पास लगा होता है, अरे यार कुत्ते कितने भौंकेंगे तो जिन लोगों का, भैया मैं तो इसे बंद करूँ थोड़ा सा इसे शीशे को, एक मिनट मैं कट नहीं करवा लूंगा, कंटिन्यू चलेगी वीडियो, थोड़ा देखते रहना, कट लगाने की फायदा नहीं है इसमें, डायरेक्ट वीडियो बनने दो। तो जिन लोगों का जो साइलेंसर के पास कन्वर्टर लगा होता है तो वहां पे चेक करने का एक तरीका है, वो तरीका बताऊंगा। अगर उसके नीचे वाला मॉडल में लगा हुआ है नीचे कन्वर्टर, तो जहां वहां पे वो सेंसर लगा होता है, सेंसर को निकलवाएंगे और फ्यूल गेज वाला जो क्या बोलो उसे तार सा होता है जो, उसे अगर डलवा के देखेंगे, अगर वो अंदर चला गया पूरा तो मिट्टी चोरी हो चुकी है, और अगर पूरा अंदर नहीं जाता अटक जाता है बस इतना ही जाता है हिस्सा, तो समझो कि मिट्टी है। मैं आपको कार में दिखा देता हूँ आगे बोनट खोल के, ठीक है? कुत्ते कितने भूखेंगे यार, चलो चलते हैं। अगर आपके पास स्पार्क कार है और यहाँ पे कन्वर्टर लगा होता है, और अगर कोई और कार है जिसमें इंजन के पास यहाँ पे कन्वर्टर लगा है, तो चेक करने का तरीका यही है, ये सेंसर है इसको निकालवाना होगा, ठीक है? मिस्त्री से, किसी भरोसेमंद मिस्त्री से निकलवाइए, और ये जो फ्यूल गेज के लिए है ना, इसको निकाल के इसमें अंदर डालिए। अगर ये 2-3 इंच से ज़्यादा जाता है तो समझिए मिट्टी गायब है, और 3 इंच जाकर रुक जाता है यहाँ तक जा पाएगा, यहीं से मिट्टी स्टार्ट होती है इस जगह से और आगे तक होती है। अगर यहाँ जाकर रुक जाता है तो समझ जाइए कि आप मिट्टी है, अदरवाइज मिट्टी नहीं है। यही एक तरीका है चेक करने का। अगर किसी के मतलब बॉडी के नीचे, मतलब यानी कि आगे पीछे, मतलब यहाँ पे साइलेंसर, कुछ लोगों की कार मतलब यानी कि टायर के पीछे नीचे साइलेंसर में कन्वर्टर लगा होता है इस जगह, तो वो भी तो वहाँ भी सेंसर लगा होता है, उसी को चेक करने का तरीका इसी चीज़ से चेक कर सकते हैं सेम टू सेम। तो ये कुछ कारण थे, एक तो आवाज़ बदलना, वाइब्रेशन होना। तो मैं इसकी आवाज़ सुना देता हूँ अभी, किस तरह की आवाज़ है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, और कितना साइलेंट इंजन है अभी, ज़्यादा वैसे तो जो पहले था उससे तो बहुत बढ़िया ये कंडीशन है। तो अभी चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर दिखाते हैं। तो अभी ये आवाज़ नॉर्मल है जैसे आती है इंजन की, नॉर्मल साउंड। जब मिट्टी चोरी हो गई तो बहुत ज़्यादा साउंड आती थी, और ये वाइब्रेशन ज़्यादा होती है जब मिट्टी चोरी रहा है, और जब मिट्टी चोरी रहा है तो यहाँ भी आपको ज़्यादा धुआं छोड़ती हुई गाड़ी दिखाई देती है, पॉल्यूशन नहीं आता उस गाड़ी का, ये भी कुछ कारण है। चेक करेंगे तो पॉल्यूशन नहीं आएगा, पॉल्यूशन में से ज़्यादा आएगा और यहाँ धुआं ज़्यादा छोड़ेगा।
ये कुछ है, बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी हो चुकी है मेरी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे पहले थी मिट्टी चोरी होने से पहले, वैसे ही कार की कंडीशन हो चुकी है, अभी गंदी है, सफाई करेंगे इसे। अंदर से आवाज़ सुना देते हैं रेव करके। और जब मैं पहले चलाता था गाड़ी, जब मिट्टी चोरी होती थी तो फट फट ऐसे फड़फड़ाती थी कि साइलेंसर बॉडी से टकरा रहा है, ऐसी कोई साउंड आती थी। अब क्या नॉर्मल हो चुका बिल्कुल। तो भैया अगर आपने गाड़ी में कुछ काम करवाया है, साइलेंसर छड़वाया है और आप उस गाड़ी से थोड़ा दूर रहे हैं, तो चेक कर लेना भाई, ये कुछ रीज़न होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि गाड़ी में मिट्टी चोरी हुई नहीं हुई। और जिस मिस्त्री कराए वहाँ जाकर आप उससे पुलिस कंप्लेंट करवा सकते हैं उसके ऊपर कि भैया मिट्टी चोरी कर ली, और भैया इसकी सुनवाई है। आप लोग बोलते हैं कमेंट करके, हाँ जी आप लोग बोलते हैं कमेंट करके कि यार हमारे सबूत नहीं है। सबूत देखो किसी के पास नहीं होता, किसी को पहले से नहीं पता होता कि वो चुराने वाला है। हम वीडियो बनाए, मेरी जब मिट्टी चोरी थी मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन कुछ नहीं कर पाया। अब वही है कि बस कुछ रीजन मेरे रहे, मैं नहीं कर पाया कंप्लेंट, लेकिन आपके पास रीजन वो नहीं होंगे, आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं घर पे बताता और ये सब तो दिक्कत में आ जाता, वही कि पुलिस केस के चक्कर में पड़ रहा है ये सब। वो मैंने घर पे अपनी बात भी नहीं बताई, मम्मी को मेरी पता भी नहीं है कि मिट्टी चोरी हो चुकी थी वगैरह वगैरह, मैंने डलवा भी लिए अरेंजमेंट करके। लेकिन आप कर सकते हैं कंप्लेंट, आप घर में बड़े हैं और कर सकते हैं कंप्लेंट, और पुलिस में जान पहचान है। वरना अगर आप नई मिट्टी डलवाएंगे 10,000 रुपये से ज्यादा की लोग मांग रहे हैं। मेरे पास इस पिछली वीडियो में कमेंट है, कोई कह रहा है कि दो मिट्टी है मेरे पास, दो साइलेंसर की मिट्टी, मैं 40,000 में दे दूंगा, तो सोचो कितना है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अगर साइलेंसर की मिट्टी डलवानी है, बाई चांस आप नहीं कंप्लेंट करना चाह रहे, बस साइलेंट से ये मैटर से सॉल्व हो जाए, तो हिंडन मोटर पे आप जाएंगे तो वहां पे डलवा सकते हैं। उनके पास अपना कन्वर्टर खुलवा के ले जाना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी रहते हो गाजियाबाद में हिंडन मोटर। इससे पहले वाली वीडियो आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां पे मैंने दे रखा वीडियो बना रखी है, और या रिसेंट वीडियो में भी चेक करो तो भी मिल जाएगा आपको कि हिंडन मोटर से आप कॉन्टेक्ट करके वहां कन्वर्टर पहले बात कर लो कि हमारी मिट्टी साइलेंसर मिट्टी चोरी हुई, कब आ सकते हैं और कितने रुपए लगेंगे, वो बात कर लेंगे। आप जाइए अपना कन्वर्टर लेके और सुबह 9-10 बजे पहुंच जाएंगे तो शाम तक फ्री हो जाएंगे, ठीक है। जो सरदार जी मिट्टी डालते वो बता रहे थे 2-4 घंटे में डाल देते हैं, वैसे अगर ज्यादा ऑर्डर हुआ तो फिर टाइम भी ले सकता है। तो देखना मंगल की छुट्टी रहती है, पिछली वीडियो में भी मैंने एड्रेस दिया था उनका, इस बार भी डाल दूंगा फोन नंबर भी, ठीक है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। चलो बाय बाय, बहुत बड़ी वीडियो हुई, देखने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना भाई। बहुत चोरी चल रही है, बहुत चोरी बढ़ चुकी है इसमें, इको गाड़ियों में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर सुन लेंगे इको की बहुत आसानी से चुराई जा सकती मिट्टी, इसलिए वो उसका सुनने में न्यूज़ ज़्यादा आ रही है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे जिनमें कई लोगों की चुरी, कोई राजस्थान से था भाई, गौशाला फाटक से थे, ठीक है। तो मैं बंद करता हूँ वीडियो, बहुत लंबी हो गई है, प्लीज़ देख लेना पूरी। बाय बाय, धन्यवाद।